ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड अप्लाई किए थे उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पहली किस्त 1000 रुपये काफी लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दी गया है। तो आप लोग जानना चाहते हैं हमारे लोगों के अकाउंट में अभी तक क्रेडिट क्यों नहीं किया गया, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने 31 दिसंबर से पहले ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो उनके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पहली किस्त यानी कि 1000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी तक 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, तो एक साथ उनके अकाउंट में पैसे डालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएंगे। और एक बात, जिनके अकाउंट में पहली किस्त 1000 रुपये आएंगे उसके अकाउंट में ही दूसरी किस्त आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पहली किस्त नहीं आएंगे अकाउंट में तो क्या दूसरी किस्त आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी पहली किस्त आएंगे तभी आपको दूसरी किस्त आएंगे। और जिन लोगों को पीएम निधि किसान योजना के लाभ पहले से उठा रहे हैं और जिन लोगों को पीएफ अकाउंट ऑलरेडी पहले से है, तो उन लोगों को इस श्रम कार्ड की पहली किस्त उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। और जिन लोगों ने जनवरी में इस श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं उनके अकाउंट में भी पहली किस्त और दूसरी किस्त नहीं भेजे जाएंगे। और आने वाले टाइम में अगर इस श्रम कार्ड की योजनाओं में कुछ और बेनिफिट मिलता है तो उस समय उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।